नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। राजेश खन्ना को एहसास हो गया था कि उनकी जगह लेने अमिताभ बच्चन आ चुके हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म की शूटिंग के समय राजेश अमिताभ को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी। यूं तो उन्होंने ढेर सारी शानदार फिल्में बनाई हैं, लेकिन आज से लगभग 50 साल पहले रिलीज हुई फिल्म बावर्ची को आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में राजेश खन्ना और जया बच्चन लीड रोल में थे। लेकिन आज हम फिल्म बावर्ची की नहीं, बल्कि फिल्म की शूटिंग के समय हुए एक किस्से की बात करते हैं। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में बहुत यादगार भूमिका निभाई थी। हर फिल्म में राजेश का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जितने प्रसिद्ध होते जा रहे थे, उतने ही अहंकारी भी होते जा रहे थे। किस्सा सन 1972 का है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का अफेयर शुरू हो गया था। फिल्म बावर्ची के सेट पर जया से मिलने अक्सर अमिताभ जाया करते थे। ये बात राजेश को पसंद नहीं आती थी। राजेश खन्ना इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे थे और जया उनके ऑपोजिट थी। काका ने जलन की वजह से अमिताभ को मनहूस तक कह दिया था, जो जया को पसंद नहीं आया, और उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना से कहा कि एक दिन जमाना देखेगा कि ये इंसान कितना बड़ा स्टार बनेगा और आपका स्टारडम लंबे समय तक नहीं रहेगा। जया के मुंह से निकली बात राजेश के सामने ही सही साबित हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि राजेश को रिप्लेस कर अमिताभ बच्चन स्टार बन बैठे। जंजीर फिल्म की सफलता ने अमिताभ को बुलंदियों पर पहुंचा दिया और राजेश खन्ना का स्टारडम डगमगाने लगा। काका के नाम से मशहूर एक्टर की सफलता चरम पर थी, तो धीरे धीरे मनमानी भी करने लगे थे। एक्टर ने उस समय कई फिल्मों को ठुकरा दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। राजेश खन्ना की आदतों की वजह से मनमोहन देसाई, ऋषिकेश मुखर्जी और शक्ति सामंत जैसे कई बड़े फिल्म डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना छोड़ने लगे। इस तरह एक दिन ऐसा आया कि उनका स्टारडम पूरी तरह छिन गया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में सफ़र इतना आसान नहीं रहा। दरअसल जिस वक्त अमिताभ बच्चन ने अपना कैरियर शुरू किया था, उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन नए थे और लगातार सीखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें राजेश खन्ना की डांट का भी सामना करना पड़ता था। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने एक साथ में कई फिल्मों में अभिनय किया और उस वक्त एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म बावर्ची के सेट पर राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को काफ़ी बुरा भला भी कह दिया था। अमिताभ बच्चन फिल्म बावर्ची के सेट पर जया और असरानी जैसे अन्य दोस्तों के साथ हैंगआउट करने जाया करते थे। उस दौरान फिल्म में लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे राजेश खन्ना को बार बार अमिताभ बच्चन का अपमान करते हुए देखा गया था। राजेश खन्ना सेट पर अमिताभ बच्चन को काफ़ी ताना मारते थे और एक बार बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को मनहूस और बदकिस्मत तक कह दिया था। हालांकि अमिताभ ने राजेश खन्ना को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बात जया बच्चन को काफ़ी बुरी लगी और उन्होंने राजेश खन्ना की बोलती बंद करते हुए कहा कि एक दिन दुनिया देखेगी कि ये आदमी कहाँ होगा और खन्ना कहाँ होंगे। राजेश खन्ना को भी अमिताभ बच्चन के टैलेंट पर पूरा यकीन था, जिसके चलते उन्होंने नमक हराम के प्रीमियर में ऋषिकेश मुखर्जी से कहा भी था कि उनका समय खत्म हो चुका है और बच्चन नए सुपरस्टार हैं। जया और अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में शादी की थी। हालांकि शादी से पहले अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के साथ भी काफ़ी जुड़ा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने सभी खबरों पर विराम लगाते हुए
जया से शादी करने का फैसला कर लिया। जया और अमिताभ के दो बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। जब जया बच्चन राजेश खन्ना को अमिताभ को लेकर जवाब दे रही थी तो शायद उस समय उनकी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान रही होंगी, तभी तो उनकी बात सही साबित हो गई। क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।